टीचिंग फील्ड में बहुत सारा चीज जो हो गया है, बहुत वाहियात चीजें आ गई हैं। कुछ टीचरों को देख रहे हैं खास करके, भाई हम क्या ही बताएं, कुछ फीमेल टीचरों से रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाने आ रहे हैं तो अपने पर्सनल लाइफ को अपने घर पे रखिए। टीचर की सोशल जिम्मेदारी भी होती है, वो एक स्टूडेंट के लिए रोल मॉडल होता है। क्लास में आके उल्टा सीधा एक्टिविटी करिएगा, कई लोगों को देख रहे थे क्लासों में आके आंख मार रहा है, उल्टा सीधा कमेंट पढ़ना है। देखिए कमेंट कमेंट रहे ना रहे ऐसे ही झूठे पढ़ देते हैं सब। तो ऐसे टीचर लोगों को भी कहते हैं ध्यान दिया कीजिए। हम ही लोग हैं भाई, किसी दिन बाल कटवाएंगे तो कभी ज्यादा काट देगा, तो पता है कि लड़का पूछने वाला है कि सर आज बाल ज्यादा काट दिया, तो क्या हम ये कमेंट पढ़ेंगे? इग्नोर करेंगे हम ये सब चीजों को। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको पढ़ेंगे, तो जानबूझ के ऐसा ऐसा कमेंट पढ़ेगी, सर मैडम आज गौर लग रही है, ससुर इतने फिल्टर और मेकअप हटा के देखो दली दर लगेगी यहाँ पे, अपने से सोच लेना है। तो देखिए हम किसी से हमारा कोई द्वेष नहीं है, बस हम इतना जानना कहना चाहते हैं कि हमारे देश की जो संस्कृति है, जो हमारे देश की विरासत है, उसे खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई उससे खिलवाड़ करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। तुमको एक चीज बता रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैम आप कमेंट क्यों पढ़ते हो, ध्यान मत दो जो बोल रहे बोलने दो। बेटा होता क्या है ना कि हम है लॉयर, तो हम लोग ना किसी को भी छोड़ते नहीं है किसी भी चीज में, ये बात याद रखो। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो